हाय एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग एंड लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है, तो हम आज से सर्वेइंग की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो शर्यू मैम, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्वेइंग की रिवीजन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लीनियर मेजरमेंट्स और चेन सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं, हेलो गुड इवनिंग दीपक, तो उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ सिमरन कपूर एंड आई एम ग्रेजुएटेड इन सिविल इंजीनियरिंग, और ये मेरी अनअकैडमी पर प्रोफाइल है जहाँ पर मैं 35 अभी तो 37 कोर्सेज बना चुकी हूँ। मैथमेटिक्स हमारा साथ साथ में चल रहा है, तो बहुत से क्रैश कोर्सेज है, वहाँ से भी आप लोग मेरे प्रोफाइल पर जाकर बाकी के कोर्सेज चेक कर सकते हैं। तो अब बात आती है स्पेशल क्लासेस की, तो पहले मैं आपको स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना आज का ये टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस का प्राइस देखो बहुत लो है, और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपने को रजिस्टर करना है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आपने देखा होगा एक प्लस का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो प्लस के ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी क्लासेस जिस दिन लॉन्च हुई होंगी आपको वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। और आप लोगों को टाइमिंग क्या याद रखनी है, 12 to 1:30, जो रजिस्टर करने की टाइमिंग रहती है वो है 12 to 1:30। बहुत से अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो वो पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी के जो मैक्सिमम आपके जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं उनको आपको रजिस्टर करने की टाइमिंग यही रहती है 12 to 1:30, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आज को आपको पहले ये डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से हम सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट स्पेशल क्लासेस में। तो आज हमारी फर्स्ट स्पेशल क्लास है, तो जिसमें मैंने क्या डिस्कस करना है, लीनियर मेजरमेंट्स और चेन सर्वेइंग, ठीक है। तो क्लास वन में हमारा ये चीज़ कवर हो जाएगी, क्लास टू होगी हमारी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू पे, सेकेंड क्लास में हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि इनफ है आपके लिए, पुराने एसएससी जेई में आए हैं जो क्वेश्चन, आईईएस में, गेट में आए हैं, ठीक है, तो उन सबको मिला के जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्लास टू में सॉल्व करेंगे। बाकी देखो क्लास थ्री में कंपास सर्वे, तो ये सारा मैंने प्लान करके रखा है। इस तरह से हम 7 क्लासेस में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 क्लासेस में हम ये सारे अपना जो सर्वेइंग का अपना पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने लोगों ने सर्वेइंग को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर लीनियर मेजरमेंट्स और चेन सर्वेइंग का उन्हें आइडिया है, क्योंकि देखो लीनियर मेजरमेंट्स और चेन सर्वेइंग है ये हमारे इजी टॉपिक होते हैं ज़्यादा, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एरर्स में प्रॉब्लम है और परम कह रहे हैं उन्होंने रिवाइज कर लिया है, तो देखो मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पर, ठीक है, तो देखेंगे आपकी रिवीजन हो जाएगी, और जिन लोगों ने रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया है उन्हें भी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग की इंट्रोडक्शन से, तो ज़्यादा डेफिनेशंस में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सर्वेइंग, आपको पता ही है सर्वे क्यों करते हैं, रिलेटिव पोजीशंस को निकालने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अच्छा मैंने नहीं किया रिवाइज, मुझे लगा आपने रिवाइज कर लिया, चलो ठीक है। अब हम इन 8 क्लासेस में परम, ठीक है, अब हम 8 क्लासेस में क्या है, जो भी मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस सर्वेइंग से रिलेटेड, वो रिवाइज करेंगे। तो ये तो एक डेफिनेशन है कि सर्वेइंग आपका क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड बिनथ द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो आपका जैसे सरफेस ऑफ अर्थ है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है या उसके नीचे ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर के अंदर, जो वाटर के अंदर आपके पास होगा उसका भी आप सर्वे कर सकते हो, और सरफेस के ऊपर है उसका सर्वे कर सकते हो, हेवनली बॉडीज है उनका सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग जो है इसमें डिफरेंट तरह की आपकी क्लासिफिकेशन होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सर्वे कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे नाम दे देते हैं।
तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये दो तरह के ही सर्वे हैं, बाकी तो देखो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे देते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन बेसिक ही है, वो मैं आपको, आप एक बार उसे पढ़ लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ऑल एट क्लासेस में, मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सर्वेइंग से रिलेटेड वो क्लियर करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आज के जो हम पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी। तो जैसे हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट में हम उसके 50-25 इतने MCQ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, सर्वेइंग आपको पता है, जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग, दो तरह की क्लासिफिकेशन। तो मुझे, जिन्होंने रिवाइज कर लिया है थोड़ा बहुत, जिन्हें आइडिया है, तो मुझे ये बताओ, चलो ये पहले मैं आपको बताती हूँ, जो जियोडेटिक सर्वे होता है, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे में हम लोग अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है, और प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब क्या है, ये मान लो कि हमारी अर्थ है, मैंने थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो अगर मैंने सर्वे करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब आप इसे पूरा स्फीयर एज्यूम करना कि ये पूरी हमारी अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, और मैंने इतना सा पार्ट लिया और मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट का सर्वे कर रही हूँ, और ये है मेरा लार्जर एरिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, और ये है मेरा स्मॉलर एरिया, ये भी मेरा अर्थ का लिया, मैंने इतना सा पार्ट ले लिया और मैं इसका सर्वे कर रही हूँ। तो अब मैंने अगर लार्जर एरिया का सर्वे करना है तो हमें ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि लार्जर एरिया है तो अर्थ का कर्वेचर यहाँ पर कंसीडर होएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो लार्जर एरिया और स्मॉलर एरिया में एक चीज़ नोटिस करो। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने अभी देखना है, ये जो आप बोल रहे हो 260 किलोमीटर से स्क्वायर से ज़्यादा, ठीक है, तो ये मैंने आपसे पूछना था, अभी क्वेश्चन आपने पहले ही बता दिया। तो स्मॉलर एरिया है, स्मॉलर एरिया का मतलब देखो यहाँ पर स्मॉलर एरिया है, ठीक है, तो ये हमें किस तरह से दिख रहा है, एक तरह से ये लीनियर ही दिख रहा है, इसमें हमारा अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं होगा। तो अर्थ का कर्वेचर जिसमें कंसीडर नहीं होता है वो कौन सा सर्वे होता है हमारा, जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं, आप फटाफट आंसर कर रहे हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो अर्थ का कर्वेचर जिसमें कंसीडर नहीं करते वो कौन सा सर्वे होता है, प्लेन सर्वे, ठीक है, और जिसमें करते हैं वो होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। तो इन्होंने कहा अभी देखो 260 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर एक हमारी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, बहुत से एजुकेटर्स को कन्फ्यूज़न थी कि जब हम प्लेन लेते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग के लिए, ठीक है, तो कुछ बुक्स में क्या दे रखा है कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर हमने एरिया लेना है, ठीक है, तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा एरिया लेंगे, तो मैंने क्या है इससे थोड़ा सा क्रॉस चेक किया है, दो तीन जगह से देखा था, ठीक है, तो जो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है वो IES वाले उसमें दे रखा है, और बाकी जगह से आप देखेंगे तो वहाँ 260 दिया है, तो हम इसे 260 लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जगह से मैंने कन्फर्म किया है, तो 260 किलोमीटर स्क्वायर वहाँ से मुझे आंसर मिला है, ठीक है। तो प्लेन सर्वेइंग हम कंसिडर करेंगे 260 से कम वाले के लिए, और जियोडेटिक कंसीडर करेंगे हम उससे ज़्यादा एरिया वाले के लिए, ठीक है। तो ये तो आ गई, ये तो नॉर्मल सी बात थी, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। सो उसके बाद बात आती है हमारे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, ठीक है। दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं हमारे, जिसने नहीं पढ़ा है वो बताएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, जिसने अभी ये वाली स्लाइड नहीं देखी, दो प्रिंसिपल होते हैं हमारे सर्वेइंग के, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, पर चलो, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। होल टू पार्ट क्यों करते हैं, ये आप लोगों को क्लियर है या मैं एक्सप्लेन करूं, ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ बता देती हूँ, देखो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या है, मान लो ये मेरा अर्थ सर्फ, ये मेरा कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसे मैंने सर्वे करना है, ठीक है, इस ये मेरा पर्टिकुलर एरिया जिसे मुझे बोला है कि आपको सर्वे करना है। तो अब क्या होता है, जब हमें सर्वे करना है तो हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस एरिया को जिसे हमें सर्वे करना था। तो आप सब ने कहा कि हमारा जो सर्वे का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जो कि बिल्कुल सही कहा है आपने। तो होल टू पार्ट क्यों होता है हमारा, देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले डेफिनेशन आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इस डायग्राम पे आते हैं। होल एरिया इज़ डिवाइडेड, ये तो हो गया। अब देखो, जो होल एरिया डिवाइडेड होता है, जो हमारा चेन सर्वेइंग होता है, ठीक है, चेन सर्वेइंग में हम लोग वेल कंडीशनल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है,
और वेल कंडीशनल ट्राइंगल हम किसे कंसिडर करते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल को। और ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम कंपास सर्वे पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ पर बताऊँगी कि कंपास सर्वे में हम ट्राइंगल को नहीं, मतलब ट्राइंगल नहीं लेते, जैसे हम चेन सर्वे में क्या करेंगे, होल एरिया को डिवाइड करते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कंपास में जब पढ़ेंगे वो तब बताऊँगी आपको, ठीक है? तो ये चीज़ देखना। हाँ दीपक, टू प्रिवेंट द एरर एक्यूमुलेटेड, क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे हैं इस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेंथ मेजर कर रही हूँ मैं चेन या टेप की हेल्प से, मैंने इस ट्रायंगल की ये वाली लेंथ मेजर कर ली और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर ली, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर वर्क कर रही हूँ फ्रॉम पार्ट टू होल, तो अगर मेरा इस लेंथ को मेजर करने में मान लो एरर आ गया 0.2 mm, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या करना है, ये वाला इस चीज़ के लिए प्रोसीड कर रही हूँ, तो मैंने ये लेंथ मेजर करने लगी, तो ये वाली लेंथ मैंने गलत मेजर करी थी और इस गलती की वजह से क्या हुआ, इस वाली लेंथ में मेरा थोड़ा सा एरर और आ गया, ठीक है? तो यहाँ 0.2 था, वहाँ पे 0.3 हो गया, इस तरह से एरर क्या हो गया, बढ़ता ही रह गया हमारा, अगर हम कहाँ से कहाँ तक काम कर रहे हैं, पार्ट टू होल। तो इसीलिए हम करते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो हम होल टू पार्ट करेंगे, तो अगर एक ट्राइंगल में हमारा एरर आ भी रहा है तो वो पूरे एरिया को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है? और सेकेंड प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, ये बता देती हूँ मैं आपको। तो सेकेंड प्रिंसिपल होता है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एट लीस्ट टू मेजरमेंट्स, ठीक है? एक नया स्टेशन हमें लोकेट करना है, दो मेजरमेंट्स लेनी है एट लीस्ट, लीनियर और एंगुलर फ्रॉम द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। सो देखो इसे भी इस तरह से समझते हैं, मान लो ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है? और हमने क्या करना है, सी पॉइंट पे एक नया अपना स्टेशन फिक्स करना है। तो मैंने बोला कि अगर एक नया स्टेशन आपको लोकेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट दो मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी, और दो मेजरमेंट्स लेनी है आपने, ठीक है? तो ए और बी मैंने दो पॉइंट्स लिए, तो दो मेजरमेंट्स या तो बोला कि लीनियर ले सकते हैं, एंगुलर ले सकते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट्स लेंगे हम चेन की टेप से और टेप की हेल्प से, चेन टेप की हेल्प से ले सकते हैं, ठीक है? और एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप बताओ मुझे, अगर हमने एंगुलर मेजरमेंट्स लेनी है तो मैं किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करूँगी? हाँ कंपास का यूज़ कर सकते हैं, या फिर देखो दो लाइंस है उनके बीच का एंगल निकालना है, एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हमारा दो लाइंस के बीच एंगल निकालने के लिए, यस थियोडोलाइट, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, चेन सर्वे मेथड में मैंने दो पॉइंट्स थे ए और बी, और मुझे सी पॉइंट लोकेट करना था, L1 और L2 मैंने चेन की हेल्प से लेंथ मेजर कर ली, और दूसरे में मैंने क्या किया, एंगुलर मेजरमेंट्स ली, तो एंगुलर मेजरमेंट्स ली विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आपको ये दिख रहा होगा कंपास में जो हम एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं उससे क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो मैंने कंपास के ऊपर अभी एक लेसन बना दिया है, तो कंपास से जो हम एंगल मेजर करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे, हॉरिजॉन्टल एंगल, बियरिंग, यस उसे हम कहते हैं बियरिंग, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं हम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है? इतनी चीज़ें हमें एकदम ध्यान में आ जानी चाहिए जब मैं आपको कहूँगी। तो उसके बाद आती है लीनियर मेजरमेंट्स में जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है? तो स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में आपको आइडिया है? किस किस को आइडिया है स्केल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? तो अभी उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिन्हें आइडिया नहीं है उनके लिए। तो सबसे पहले बात आती है हमारा स्केल क्या होता है, स्केल हम क्यों बनाते हैं? कि मान लो मुझे एक एरिया दे रखा है कि आपको मान लो कि 2 km² एरिया सर्वे करना है, मैं मान लूँ कि ये पूरा मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट वाला एरिया सर्वे करने को दिया है, और आपको पता है कि जो हम प्लेन टेबल पे शीट का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका साइज़ क्या होता है, अब आपने क्या करना है, ठीक है? लग रहा है शायद मुझे आइडिया है, ओके। तो लग रहा है अभी मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगी तो पता लग जाएगा, आप श्योर हो जाओगे कि आपको इसका आइडिया है कि नहीं। तो अब देखो क्या है कि अगर लार्जर एरिया है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे दे दिया 2 km, 3 km² का एरिया कि इसको सर्वे करो, और इसका सर्वे करने के बाद इसे ड्रॉ कर दो इस शीट पे, ठीक है? अब देखो इतना ज़्यादा एरिया और हमारी शीट का साइज़ कितना सा होता है, ठीक है?
तो अब हमें क्या करना है, स्केल का यूज़ क्यों करते हैं हम? अब जैसे मैंने क्या कहा कि लार्जर एरिया है, लार्जर एरिया को मुझे एक शीट में ड्रॉ करना है, मतलब एक बड़ी चीज़ को मैंने एक छोटे स्केल में लेकर आना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्केल का। ठीक है, हेलो अनिल, अनिल ने ज्वाइन कर लिया है। तो स्केल का यूज़ हमें पता लग गया। ठीक है, सो ड्राइंग्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट यूजुअली मेड फुल साइज एंड इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ देम टू कन्वीनियंट स्केल। आपने भी जब अपने कॉलेज टाइम में सर्वे किया होगा तो देखा होगा कि हम जब शीट में प्लेन टेबल जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो शीट में हम सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, तो पर्टिकुलर स्केल पहले हम ले लेते हैं कि हाँ इतनी स्केल में हम सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। ठीक है, तो स्केल क्या होता है हमारा? स्केल होता है हमारा मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस मतलब कि शीट में डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस मान लो मेरा है 10 किलोमीटर। ठीक है, या फिर मैंने मान लिया ग्राउंड में है 10 मीटर और मैप में है 1 सेंटीमीटर, तो उसका स्केल क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर। ठीक है, तो ये पता लग गया अब हमें कि हम स्केल का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए क्या कहा है, अब देखो। हाँ दीपक, दीपक बहुत फटाफट आंसर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने ये रिवाइज करके रखा हुआ है पहले से ही, जो हमारा ये सर्वेइंग का लीनियर मेजरमेंट वाला पार्ट है। सो देखो, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन ग्राउंड देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज दिस। सो अब मैं आपको ये बताती हूँ RF कैसे निकालना है, उसके बाद आप लोगों की आंसर करने की बारी आ जाएगी। ठीक है, सो देखो क्या बोला मैंने कि मैप में जो हमारा ग्राउंड में ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसे हमें क्या करना है, एक शीट में दिखाना है। ठीक है, और हमारा ग्राउंड में डिस्टेंस है 10 मीटर, और 10 मीटर जो ग्राउंड का डिस्टेंस है उसे मैं शीट में ड्रॉ कर रही हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया, 10 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसी तरह मैं पूरा जो सर्वे कर रही हूँ वहाँ पर सारी लेंथ इसी स्केल में चला रही हूँ। ठीक है, सो स्केल, स्केल में क्या है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। ठीक है, सो देखो 1 सेंटीमीटर है हमारा यहाँ पर मैप में डिस्टेंस। ठीक है, और ग्राउंड में कितना है, 10 मीटर, तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर इसकी यूनिट सेम कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है, 10 मीटर, तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इसे यूनिट लेस बना दो। यूनिट लेस हो गया, बस हमारी जो न्यूमिनेटर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए जब हम RF लिख रहे हैं या स्केल लिख रहे हैं। ठीक है, सो यूनिट्स कन्वर्ट कर दिया आपने, तो ये आ गया हमारा 1/1000, तो ये आ गया RF की वैल्यू। ठीक है, सो RF आ गया हमारा ये। अब उसके बाद आता है देखो, अब अगर हमारा 1 सेंटीमीटर, अच्छा आप नोट करना इसे जो मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर तो RF क्या होगा, ये तो आप जल्दी आंसर कर दोगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर, तो RF की वैल्यू क्या होगी, 1:2000। ठीक है, 2000। अब एक और चीज होती है, हाँ बिल्कुल सही, RF की वैल्यू ये होगी। अब देखो, जितना ज्यादा हमारा RF की वैल्यू होती है उतना ज्यादा लार्जर स्केल होता है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी बता रखा है। ठीक है, कि ज़्यादा वैल्यू RF की होगी जितनी, उतना हमारा क्या होगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ द RF, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ स्केल। समझ गए आपको किस तरह से क्वेश्चन बनता है? एक बार ये क्वेश्चन आया था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपको बोला था कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्केल की वैल्यू कौन सी है, और आपको RF के 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपने मुझे बताना है कि इनमें से किस कौन, मतलब हम, मैं आपको बोलूंगी 2 स्केल्स की वैल्यू, 2 RF की वैल्यू, क्या बताऊंगी, 2 RF की वैल्यू, आपने बताना है इन दोनों में से किसकी वैल्यू स्केल की ज़्यादा होगी। समझ गए क्वेश्चन, RF की वैल्यू बताऊंगी मैं आपको और आपने बताना है कौन से स्केल की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये सुन लो कि जो हमारी RF की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा हमारा स्केल होता है। ठीक है, सो अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, मान लो कि मेरे को बोला है 1:2000 है और 1:6000 है, तो ये 2 RF हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से स्केल की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, 1:2000 की, यस। तो बाकी के लोगों को समझ आ गया 1:2000 की ज़्यादा वैल्यू क्यों होगी।
नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए, 1:2000 और 1:6000। मैंने क्या बोला, ये दोनों गिवन जो है वो है आरएफ, ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि स्केल क्या होगा। और मैंने बोला जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आरएफ की उतना ज़्यादा होगा हमारा स्केल, ठीक है। सो 1:2000 दे रखा है, ठीक है, क्या है 1:2000, और एक क्या है हमारे पास 1:6000। 1:6000 का मतलब क्या है, 1:6000 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि हमारा स्केल छोटा है। और स्केल छोटा कैसे हुआ 1:6000 में, और 1:2000 में स्केल बड़ा है। 1:2000 का मतलब है हायर द डिनोमिनेटर लेसर द आरएफ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी कोई लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि उन्हें समझ आया है कि नहीं आया है। आपको इसका ये आंसर क्लियर हो गया है कि 1:2000 क्यों हुआ है हमारा इसका आंसर, लार्जर स्केल 1:2000 क्यों है ये मुझे बता दो एक बार, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे शुभम ने बता ही दिया है यहाँ पर कि हायर द डिनोमिनेटर लेसर द आरएफ, ठीक है ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब मैं आगे चलती हूँ। सो ये आ गया हमारा स्केल। उसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के स्केल्स यूज़ होते हैं, तो वो नॉर्मल हमारी एक डेफिनेशंस ही होती हैं, ठीक है, थीके? तो नॉर्मल डेफिनेशंस आप देख सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे जो कि हमारे को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपने सुना होगा नाम वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के बारे में आइडिया दे देती हूँ आपको थोड़ा सा कि कैसे कैसे होता है इसमें। सो वर्नियर स्केल बेसिकली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा अपनी लैब्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें मेज़र करना होता है वो हम इसके बीच यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। और ये होता है हमारा मेन स्केल जो आपको ये वाला दिख रहा है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है हमारा वर्नियर स्केल। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट, मेजरमेंट तो हम सिंपल मेन स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो जो वर्नियर स्केल है वो हम यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। सो व्हेन वी मेजर विद ओनली मेन स्केल देर आर चांसेस ऑफ एरर टू कम, सो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल वी कैन रिमूव दिस एरर्स एंड वर्नियर स्केल इज, चलो ठीक है ये थ्योरिटिकल पार्ट साइड पे, ठीक है। तो हमने वर्नियर स्केल क्यों यूज़ किया, वर्नियर स्केल हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट्स आ जाए जो कि मेन स्केल से हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है। मेन स्केल के अंदर जो ये आपको दिख रही है यहाँ पर, देखो ये 7 और 8 के बीच का जो हमारा ये वाला पार्ट है कुछ नहीं दिख रहा। चलो मैं आपको एक और डायग्राम से समझा देती हूँ ये, ठीक है। सो देखो ये हमारा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सो वर्नियर स्केल बताना है मैंने आपको, तो ये है हमारा मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल की वर्किंग, अरे यहाँ पर हम देखो दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास ये होता है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है। तो मान लो कि मेरे पास कोई पेन है और मेरे को बोला है कि इसका हमें डाया मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं उसे यहाँ पर लगा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ये हमारा होता है मेन स्केल और ये होता है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, जो मेन स्केल है फिर हम देखते हैं उसकी जीरो वर्नियर स्केल के किसके साथ एकदम कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से भी आपको एकदम नहीं बता सकती कि आप कैसे यहाँ पर मेज़र करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें नहीं दिख रहा है कि कौन सी यूनिट जो है बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो ये मान लो कि ये मेरी मेन स्केल की यूनिट है, ठीक है। मान लो कि मेन स्केल का मेरा यहाँ पर 1 है जो मैंने पेन इसके अंदर रख दिया, और यहाँ पर है मेरा वर्नियर स्केल का, तो ये आपका कोइंसाइड कर गया, इसकी 8th यूनिट कोइंसाइड करी और इसकी मैंने मान लिया कि 3 यूनिट्स या फिर 3 के आगे जो कुछ है वो कोइंसाइड करी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारा कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम 0 कोइंसाइड करवाते हैं, ठीक है, वर्नियर का 0 कोइंसाइड करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद कौन से हमारे दो ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, पर क्लियर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि रीडिंग्स कैसे लेते हैं। अभी आप इसके लिए ये समझ लो कि वर्नियर स्केल और कैसे कैसे इसमें मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो परम मैं आपको ये नेक्स्ट लेसन में ज़रूर समझा दूंगी कि आपने रीडिंग्स कैसे लेनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है डायग्राम में जो ये यूनिट्स हैं ये बहुत छोटी छोटी है, तो इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बात आ गई। तो इसके बाद आ गया, मैंने आपको कहा था वर्नियर स्केल ये है हमारा, ठीक है, और ये हमारा मेन स्केल, ठीक है।
सो अब आता है कि वर्नियर स्केल है एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और डिफरेंट टाइप्स के हमारे वर्नियर यूज़ होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के वर्नियर कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट वर्नियर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारा डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में देखो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया मेन स्केल क्या है और मैंने आपको बता दिया वर्नियर स्केल क्या है। प्रिंस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हेलो प्रिंस। तो देखो ये आ गया हमारा मेन स्केल और ये आ गया हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। सो अब देखो ये मैंने मान लिया कि ये मेरा मेन स्केल है और इसकी ये डिवीज़न 8 है, ये डिवीज़न 9 है और ये डिवीज़न कौन सी है, 10 है, ठीक है। ऊपर है मेरा वर्नियर स्केल, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरा वर्नियर स्केल था उसकी 0 को मैंने कोइंसाइड किसके साथ कराया, उसकी 0 जो है हमारी मेन स्केल की 8th डिजिट के साथ कोइंसाइड हो रही है। 0 ऑफ द वर्नियर स्केल किसके साथ कोइंसाइड हो रही है, 8th ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट दिख रहा है आपको वर्नियर स्केल का, और वहीं मेन स्केल का फर्स्ट पॉइंट देखो कहाँ आ रहा है, मतलब इसका ये वाली चीज़ कहाँ आ रही है, यहाँ पर। हम क्या देख रहे हैं, वर्नियर स्केल की हर एक डिजिट इस तरफ को होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। अब इसका 2 हमारा यहाँ पर है वर्नियर का और मेन का यहाँ पर है, तो एक तरह से इधर को हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो कि इसी तरह हमारी क्या है, जैसे हमारा यहाँ पर इसका 3 मेन स्केल का यहाँ है और 3 हमारा वर्नियर स्केल का कहाँ है, यहाँ पर, तो एक तरह से डिजिट कहाँ को जा रही है, इस तरफ को, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जैसे जैसे हम इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि मेन स्केल का जो 10th डिवीज़न है, मेन स्केल की 10th डिवीज़न है तो वो हमारे वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, बल्कि 10th से पिछली डिवीज़न जो है वो वर्नियर स्केल के 10th के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो हमारे पास क्या था, मान लो देखो मैं अब यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, ये है मेरे पास डिवीज़न किस किस की, ये मैंने ड्रॉ करा, जो ये है मेरा वर्नियर स्केल, ठीक है। ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, वर्नियर स्केल। और अब मैं क्या देख रही हूँ, ये मेरा 0 और 0 जो आपस में मान लो कि ये पॉइंट है जो कोइंसाइड कर रहे थे। सो ये था मेरा वर्नियर स्केल और ये नीचे वाला मेन स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जो 1 है और मेन स्केल का हमारा कुछ इस तरफ को है, फिर हम क्या देख रहे हैं, इस वाले का हमारा यहाँ को आ रहा है, फिर इस वाले का थोड़ा और यहाँ को आ रहा है और नेक्स्ट वाले का मान लो ये आपस में मिल जा रहा है, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि इसकी डिजिट जो है देखो कैसे कैसे को आगे आगे आ रही है, ये इस तरफ को जा रही है, ये वाली ये इधर को है और ये इधर को है। तो जो 10th डिवीज़न है हमारी मेन स्केल, जो वर्नियर स्केल की 10th डिवीज़न है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, 9th ऑफ द मेन स्केल। तो ये बस आपको मैंने याद रखने के लिए बताया, क्योंकि कई बार हमें ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम इसे कैसे लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ पता लग रही है कि अगर 10 डिवीज़न हम वर्नियर के ले रहे हैं, ठीक है, तो मेन स्केल की हमारी 9th पे आके मिल रही है। सो आपको याद हो गया 9 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल इक्वल्स टू 10 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल, तो बस यहीं से हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये आ गया हमारा, इसे मान लो जो 9 लिखा है मैंने वो n है, ठीक है, n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। तो n माइनस 1 मतलब 9 और 10 आ गई हमारी वर्नियर स्केल की डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी सारी जो यहाँ पर यूनिट्स है वो इस तरफ को है वर्नियर स्केल की। अगर ये मेरा वर्नियर स्केल है, ठीक है, जैसे मैंने ये बताया ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, तो ये इस तरफ को जाती जा रही है, इस तरफ को जाती जा रही है और इसका 10 इसके 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो लीस्ट काउंट आता है मेन इंपॉर्टेंट, अब आपको कि लीस्ट काउंट कैसे आपको निकालना है। लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, मैंने आपको क्या बताया, n डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल किसके इक्वल है, n माइनस 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, ठीक है। v की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो v क्या आ गया, n माइनस 1 इंटू s अपॉन n। तो एक तरह से जो आपको याद रखना है दैट इज लीस्ट काउंट इक्वल्स टू s अपॉन n। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर s और n क्या है, जो लीस्ट काउंट हम निकालते हैं वहाँ पर s और n क्या है, s क्या होता है, इस फॉर्मूले में जो लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर s क्या होता है, अच्छा नहीं पता, तो देखो
मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो एस होता है हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, वही बात है, ठीक है। टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, एन है हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और एस है हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब देखो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया कि हाँ यहाँ पर एन माइनस वन डिवीजन, एन डिवीजन, इसको हम एक क्वेश्चन से अब समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो बोला डिज़ाइन द डायरेक्ट वर्नियर फॉर रिक्वायर्ड लीस्ट काउंट 0.025 mm। आपको वर्नियर डिज़ाइन करना है और आपको क्या दे रखा है, लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एन। एस इज योर स्मॉलेस्ट डिवीजन, एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, ऑन वर्नियर स्केल। सो अब देखो क्या बोला है कि लीस्ट काउंट इतना है, ठीक है, यूज्ड फॉर सेंटीमीटर स्केल। ये पॉइंट याद रखना, बोला है यूज्ड फॉर सेंटीमीटर स्केल। सो हमें क्या दे रखा है, लीस्ट काउंट, दैट इज एस अपॉन एन। एस अपॉन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025 mm, ठीक है। तो एस क्या बोला मैंने, एस क्या होती है हमारी स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो अब समझना यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन मैंने यहाँ लिखी 1 mm, क्या आप में से कोई बता सकते हैं मैंने क्यों लिखी यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm? यहाँ क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी आपको कि स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm है, तो मैंने यहाँ पर क्यों लिख दी, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बोला है आपको डिजाइन करना है, हाँ ठीक है दीपक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिज़ाइन करना है हमें डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, यूज्ड फॉर सेंटीमीटर स्केल, और सेंटीमीटर स्केल बोला है आपको। सेंटीमीटर स्केल में आपकी स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगी, सेंटीमीटर बोला है ना, तो सेंटीमीटर स्केल बोला है, सेंटीमीटर स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगी हमारी mm, ठीक है। तो क्या आ गया, एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो कि हम लेंगे mm में, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और n हमें क्या करना है, n हमें निकालना है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट वर्नियर हमें डिज़ाइन करना है और हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू दे रखी है 0.025। तो n की वैल्यू निकाल लोगे 1/0.025, तो वो आ गई हमारी 40। तो अभी मैंने आपको बताया n डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन डायरेक्ट वर्नियर इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मीटर स्केल, मीटर स्केल मतलब, अच्छा मीटर स्केल के लिए हमें क्या लेना है, मीटर के लिए भी आप mm लेंगे, सेंटीमीटर के लिए भी, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हम किसको लेकर चलते हैं, mm को, स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है। तो उसके लिए भी हम mm ही लेकर चलेंगे। तो हमें क्या करना है, अब देखो ये मैंने आपको बताया n डिवीजन ऑफ डायरेक्ट वर्नियर इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस डिवीजन, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो n डिवीजन कितने आए हमारे पास, 40। तो 40 डिवीजन अगर आपके किस में है, ऑन डायरेक्ट वर्नियर, तो क्या होंगे, मेन स्केल में कितने होंगे, उससे एक कम होगा, दैट इज 39, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रही है तो आप बस ये याद रख लेना कि जो हमारा डायरेक्ट वर्नियर है उसमें क्या याद रखना, 9 ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 10 ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका मतलब है मेन स्केल का आपका वर्नियर स्केल से एक डिजिट कम है। सो बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपने डायरेक्ट वर्नियर के लिए, 9 मेन स्केल, 10 वर्नियर स्केल, अगर आपको ये टफ लग रहा है याद रखना, n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक है। सो 9 मेन स्केल, 10 वर्नियर स्केल। इसके बाद आता है एक रेट्रोग्रेड स्केल, ठीक है। रेट्रोग्रेड स्केल में इसका ऑपोजिट होता है, अरे इस टॉपिक में कंफ्यूज होने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है, तो फिर भी देखो इसमें आपको ऐसे इतना तो आप याद रख ही लोगे। मैं अभी आपको डायरेक्ट वर्नियर बोल रही हूँ तो आपने एकदम से इमेज बनानी है, 9 मेन स्केल, 1 वर्नियर स्केल, 9 मेन, 1 वर्नियर याद हो गया। तो 9 का मतलब क्या है, n माइनस वन, और 10 का मतलब है कि n, तो ये फॉर्मूला आपको वैसे ही याद हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको वैसे ही याद हो गया, और फॉर्मूला याद हुआ तो इससे आपको क्या पता चला कि 9 आपके मेन स्केल के थे और 10 था आपका वर्नियर का, तो 10 आपका वर्नियर का 9 के साथ कोइंसाइड कर गया। तो सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखी, इससे आपको फॉर्मूला भी पता लग गया और आपको इससे डायग्राम भी पता लग गया, ठीक है। तो पर हम इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है, आप बस इसे इस तरह से याद कर लो, ठीक है। सो अब ये वाला देखो, रेट्रोग्रेड में क्या होगा, रेट्रोग्रेड में इसका ऑपोजिट होगा, पहले जैसा हो रहा था हमारा डायरेक्ट वर्नियर में उसका उल्टा चलता है यहाँ पर सारा। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, तो अब देखो हमने क्या याद किया था डायरेक्ट वर्नियर में, क्या याद किया था, 9 ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 10 ऑफ वर्नियर स्केल।
तो एक जगह पर आपको लिख देना है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रेट्रोग्रेड स्केल में इसका ऑपोजिट है 9 वर्नियर स्केल के 10 मेन स्केल का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल का 9th डिवीज़न हमारे मेन स्केल के 10th के साथ कोइंसाइड कर गया। बिल्कुल ऑपोजिट ले लेना है रेट्रोग्रेड वर्नियर को, समझ गए आप। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने लगूंगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका बिल का बिल्कुल ऑपोजिट, 9th वर्नियर का और 10th मेन स्केल का, ठीक है। लीस्ट काउंट बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, एस अपॉन एन, ठीक है। एस होगी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल और एन होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या आया, 9 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल किसके इक्वल है, 9+1 डिवीजन, वहां क्या होते थे 9-1। सो दो चीजें आपने अभी के अभी याद कर ली हैं। क्या क्या याद कर लिया है, डायरेक्ट वर्नियर 9, मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल, और रेट्रोग्रेड उसका ऑपोजिट, बस, ठीक है। तीसरा आता है हमारा डबल वर्नियर। डबल वर्नियर में कोई ज़्यादा नहीं याद रखना आपने, ये होता है हमारा मेन स्केल और मेन स्केल के दोनों तरफ आपके वर्नियर स्केल लगे होते हैं ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना इसके बारे में। एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर के बारे में आपको बस ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन, ये याद रखना है। इट इज़ सेम एज द डायरेक्ट वर्नियर बट ओनली द डिफरेंस इज दैट इन दिस केस द डिविजन्स आर वेरी लार्ज देन मेन स्केल। तो इसके लिए आप बस ये याद रख लेना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेंगे तो इतना ही पूछ सकते हैं कि एक्सटेंडेड स्केल में जो यहाँ लिखा मैंने एन डिवीजन वर्नियर स्केल के 2n-1 हो मेन स्केल। अब क्वेश्चन बनता है आपका श्रिंकेज स्केल से और श्रिंकेज फैक्टर से, इस चीज़ को समझ लो, ये भी ईजी है, ठीक है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी के अभी याद रख लो, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एक्सटेंडेड फैक्टर होता है एक्सटेंड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब श्रिंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ क्या है, मान लो मैंने एक चेन खरीद के आई बाजार से मैं, तो उन्होंने कहा कि वो कितने मीटर की है, 30 मीटर की है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बाद में उसे खुद देखा, उन्होंने तो क्या क्या डेजिग्नेटेड वैल्यू बता दी कि हाँ ये 30 की है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो 29.9 मीटर की है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो उन्होंने चेन दी थी 30 मीटर की, पर वो निकली कितनी, 29.9 मीटर की, मतलब वो श्रिंक हो गई है। और श्रिंक किसकी वजह से हुई है, टेम्परेचर चेंज कंडीशन की वजह से, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि शायद टेम्परेचर चेंज हुआ तो इस वजह से उसमें इतना हमारा डिफरेंस आ गया। तो जो श्रंक लेंथ होगी वो होगी कि जो 29.9 मीटर है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ होगी जो हमारी चेन की 30 मीटर है, ऐसे निकल गई श्रिंकेज फैक्टर। एक्सटेंडेड फैक्टर कैसे निकलेगा, अब मान लो कि जो आप 30 मीटर की चेन लाए थे वो आपकी 30.1 मीटर की निकली, ठीक है। तो एक्सटेंडेड लेंथ 30.1 और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 30 मीटर। तो ये आ गया आपका एक्सटेंडेड फैक्टर, ठीक है। सो चलो यहाँ पर ये दो चीज़ें याद रखनी है, श्रंक स्केल कैसे निकालना, इससे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता रही हूँ इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको याद कर लेना अभी के अभी, कैसे हमें पहले फैक्टर निकालना और कैसे हमें स्केल निकालना। तो श्रंक स्केल कैसे आया, श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, एक्सटेंडेड स्केल आया एक्सटेंडेड फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेक्स्ट लेसन में आपको करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले अभी बाकी के टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। चेन सर्वेइंग के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या होता है, चेन की यूज़ करते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट टाइप की हमारी चेन्स यूज़ होती हैं, लेंथ की मेजरमेंट करनी होती है तो हम चेन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइदर चेन और टेप, ठीक है। और ये मैंने क्या बना रखा है, ये हमारा कोई पर्टिकुलर एरिया जो आपको सर्वे करने को दिया, ठीक है, और जो ये मैंने ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया है ये होता है हमारे मेन स्टेशन, ठीक है। मेन स्टेशन, बेस लाइन, चेक लाइन, मेन लाइन, जो मेन लाइन होती है वो क्या करती है, ये मेन स्टेशन को कनेक्ट करती है, ठीक है। और दो बताइए आपको यहाँ पर, बेस लाइन और एक चेक लाइन, इनके बारे में आपको पता है बेस लाइन चेक लाइन क्या होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो इससे कुछ ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वो क्या है हमारा, चलो मैं आपको बताती हूँ अभी, टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ चेन के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप लोगों को पता है, पता है तो मुझे बताओ।
अरे नहीं पता, नहीं तो मैंने तो आपसे पूछने थे कि कौन सी चेन की लेंथ कितनी होती है। तो इस चेन्स की जो लेंथ होती है तो वो अभी की अभी आपको याद करा दूंगी, आपको बिल्कुल वैसे ही याद कर लेनी है, ठीक है। अरे चेक लाइन और टाई लाइन में देखो क्या है, 20। देखो कुछ नहीं है, हम लोग देखो डिफरेंट स्टेशंस को, जो मेन स्टेशंस को कनेक्ट कर रही है लाइन, वो है हमारी मेन लाइन, ठीक है। और उसके बाद इस स्टेशन को, मान लो ये ए स्टेशन है, ए और सी स्टेशन को जो कनेक्ट कर रही है, मैंने मान लिया ये बेस लाइन है, ये चेक लाइन है। तो जो हमारी बेस लाइंस होंगी, ठीक है, तो बेस लाइन हमारी, देखो आपने क्या करना है, डिफरेंट स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन बना दी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस लाइन को बेस लाइन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा लंबी होगी, सबसे ज़्यादा लेंथ जिसकी होगी वो होगी हमारी बेस लाइन, और दूसरी होगी हमारी चेक लाइन। तो मान लो मैंने बी और ई स्टेशन को ज्वाइन कर दिया, ए और डी स्टेशन को ज्वाइन कर दिया, और बी और ई को ज्वाइन किया तो वो आया हमारा 10 मीटर का, ठीक है। और मैंने उसके बाद ए और डी को किया तो वो आए मेरे 20 मीटर का, ठीक है। तो जो ज़्यादा लेंथ में होगी हमारी, वो होती है हमारी बेस लाइन, और जो हमारी कम की होती है वो हमारी होती है चेक लाइन, ठीक है। और वैसे ये किस लिए बनाते हैं, देखो जैसे हमने इस पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करना है, यहाँ पर हमारा टेम्पल वगैरह है, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा पता लग जाए, क्योंकि अगर हम सिर्फ मेन स्टेशन को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इस एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो जो हम कम लेंथ में यूज़र करते हैं वो होती है बेस लाइन, जो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और कम वाली होती है हमारी चेक लाइन, बस इतना सा इनका डिफरेंस होता है। सो चेन की बात आती है, क्लियर हो गया, डिफरेंट टाइप की चेन्स हमारे पास यूज़ होती हैं, 20 मीटर चेन, 30 मीटर चेन, ठीक है दीपक, हाँ ठीक है। तो अब मैं आगे चलती हूँ, तो मीट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन। तो सबसे पहले बात आती है मीट्रिक चेन की, जो मीट्रिक चेन होती हैं दीज आर अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर। 20 मीटर में भी हो सकती है, 30 मीटर में भी हो सकती है, साथ साथ में याद करते रहना है, मीट्रिक चेन 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वर्नियर के लिए आपको क्या याद रखना है, जल्दी से मुझे मैसेज यहाँ पर कमेंट करके बताओ, साथ साथ क्लास में याद करते रहो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डायरेक्ट वर्नियर के लिए क्या बताया था मैंने आपको, क्या याद रखना है, परम बताएगा, एन डिवीजन ऑफ डैश इक्वल्स टू एन माइनस वन डिवीजन ऑफ क्या। देखो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यस दीपक, तो परम इसे याद कर लो, 9 डिवीजन मेन स्केल, 10 वर्नियर स्केल, ठीक है, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। एट द एंड में आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगी तो बिल्कुल दिमाग में इसे बिठा लो अभी, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है रेट्रोग्रेड का, ठीक है। मीट्रिक चेन में क्या पॉइंट याद किया, 20 मीटर की होती है, 30 मीटर की होती है, ठीक है। 20 मीटर की चेन होती है हमारी 100 लिंक्स होते हैं उसमें, 30 मीटर की चेन में होते हैं 150 लिंक्स, ठीक है। 20 मीटर की चेन है उसके अंदर 100 लिंक है, तो इसका मतलब एक लिंक कितने का हुआ, 0.2 मीटर का, समझ गए कैसे हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 100, तो एक लिंक हुआ हमारा 0.2 मीटर का। 30 मीटर चेन होती है हमारी 150 लिंक्स, ठीक है। सो टेलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 10 लिंक्स। तो ये आपको कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं बने पर इस तरह के कुछ होते हैं डायग्राम, आप बुक्स में देखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि टैलीज प्रोवाइड करा दी, आपको बोला कि जो सेकंड नंबर पे टैली है बताओ ये कितने मीटर डिस्टेंस के बाद लगती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको कैसे याद रखना है, इस टैली के नीचे हमारा एक पॉइंटेड एंड है, कितने हैं, एक पॉइंटेड एंड, तो ये कितने मीटर के बाद लगी हमारी, 1st 2 मीटर के बाद, पहले 2 मीटर के बाद लगी, ये 20 मीटर की चेन है। नेक्स्ट 2 मीटर के बाद लगी हमारी जिसके नीचे 2 पॉइंटेड एंड थे, उसके बाद लगी हमारी जिसके नीचे 3 पॉइंटेड एंड थे। तो हमारे को बोल दिया कि इस टैली तक, ऐसा क्वेश्चन बोला कि इस टैली तक बताओ कि चेन की लेंथ कितनी आई हमारी, सो कितनी है, 6 मीटर। हमें कैसे पता लग गया कि हर एक 2 मीटर के बाद एक टैली लग रही है, ठीक है, और जो टेली है उसका एक पॉइंटेड एंड है तो वो 2 मीटर के बाद है, फिर दूसरा है तो 2 मीटर के बाद है, तीसरा है 3 मीटर के बाद है, तो 5th नंबर पे लगती है हमारी इस तरह की टेली जिसमें पॉइंटेड नहीं होता नीचे से, ठीक है, थोड़ा इस तरह का कर्व सा होता है। सो ये हमने ध्यान में रख लेना है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कितने कितने मीटर पे लगती है। पहली चीज़ आपने याद कर ली, मीट्रिक चेन 20 मीटर, ठीक है, 100 लिंक्स, 30 मीटर, 150 लिंक्स, याद रखना, मैं आपसे कभी भी पूछ सकती हूँ,
ठीक है, तो ये चीज़ हमें होगी। उसके बाद आती है हमारी गंटर्स चेन। गंटर्स चेन में जो आपको याद रखना है उसमें क्या याद रखना है, 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं, 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं, एक लिंक कितने का होगा 0.66 फीट का, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी इंजीनियर्स चेन। जो इंजीनियर्स चेन होती है वो 100 फीट की होती है, 100 लिंक्स की होती है। तीन चेन्स बताई मैंने आपको, कौन कौन सी बताई आपको, एक बताई मीट्रिक चेन, दूसरी बताई इंजीनियर्स 66 फीट 100 लिंक्स, इंजीनियर्स चेन 100 फीट 100 लिंक्स, ठीक है। और एक कितने आपका एक लिंक कितने का होगा ये आप ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों याद हो गए आपको कि कौन सी कितने की होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सा है, जैसे आप बाकी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कई बार यही पूछ लेते हैं कि हाँ इसकी लेंथ कितनी है। चलो ठीक है, मुझे आप बताएंगे इंजीनियर्स चेन की लेंथ कितनी होती है, 100 फीट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 100 100, आप सबको याद हो गया। अब मैं थोड़े टाइम बाद फिर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो हमने अभी पढ़ लिए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेनेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में इस तरह से हमें दिया होता है, ठीक है। हेलो स्नेहा, स्नेहा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सो हमें दे रखा है 50 चेन 40 लिंक्स, ठीक है, 50 चेन 40 लिंक्स है, इन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इन्होंने लिखा है 50 प्लस 40 चेन्स या फिर 50 इंटू 40 चेन्स, तो मतलब आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो सकता है 50 प्लस 40 चेन्स, तो इसका मतलब क्या है। सो मान लो मैं अभी सिर्फ 20 मीटर चेन की बात कर रही हूँ, ये ध्यान में रखना, 30 की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 20 मीटर चेन में 100 लिंक्स होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, अगर आपको दिया है 50 प्लस 40 चेन्स तो इसका मतलब है 50 दे रखा है आपको चेन की लेंथ, तो चेन की लेंथ कितनी है 20 मीटर, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे जितने मीटर की हमारी चेन थी, 20 मीटर की थी। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस, अब देखो 20 मीटर की चेन में है 100 लिंक्स, सो मैंने क्या किया 20 मीटर की चेन में है 100 लिंक्स, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, ये जो दे रखा था यहाँ पर, ठीक है, ये दिया है लिंक्स के लिए और ये दिया रखा है चेन की लेंथ के लिए, समझ आ गया। 50 प्लस 40 दिया है तो 50 को मल्टीप्लाई किया 20 से, जितने मीटर की हमारी चेन थी, और जो 40 था उसे किससे किया, जितने इसमें लिंक्स थे। तो 30 मीटर चेन के लिए भी आप कर सकते हो, 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं अभी बताया मैंने आपको, यस परम 150 लिंक्स होते हैं, ओके अनिल, तो ये हमें क्लियर हो गया आप, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही कॉमन है, ये मैं आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाली, एरर्स किस किस वजह से आ सकते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, नेचुरल एरर हो सकते हैं, पर्सनल एरर हो सकते हैं जब हम उसे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसे स्किप कर दो। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, और मैक्सिमम को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है, दैट इज़ करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। तो अब देखो मैंने आपको ये नहीं बताया कि एरर्स, तो आप देखो एरर्स होते हैं वो कुछ किसी भी वजह से आ सकते हैं, कि हो सकता है कि हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आ रहा, टेम्परेचर ऐसा है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि इन एरर्स को करेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है, क्या है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ। अब जो जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगी आपने वो चीज़ें एज्यूम करते जानी है, जो जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले आप मार्केट में गए, आपने क्या किया, वहाँ पर कहा 30 मीटर की मुझे चेन लेनी है, और उन्होंने आपको दे दी 30 मीटर की चेन, ठीक है। आप वहाँ से 30 मीटर की चेन ले आए, फिर जब आप घर आकर आपने देखा कि यार ये तो 30 मीटर की नहीं है पर ये तो 29.9 मीटर की निकली, ठीक है। तो 30 मीटर क्या था, डेजिग्नेटेड वैल्यू जो उसके बॉक्स में लिखी हुई थी कि यार ये 30 मीटर की है, तो ट्रू वैल्यू आई हमारी 30 मीटर। तो याद रखना जो मैं सबसे पहले वाला ट्रू यहाँ पर लिख रही हूँ वो क्या लिखा, जो चेन आप मार्केट से खरीद कर लेकर आए, कि उसने कहा 30 मीटर है मतलब 30 है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 30 इसकी वैल्यू, समझ गए। अब जब आप घर आए आपने देखा ये 30 मीटर तो नहीं है लेकिन ये तो 29.9 मीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे को तो उसने जो चेन दी वो तो छोटी दे दी, इसका मतलब रॉन्ग लेंथ की चेन दी उसने हमें, ठीक है। तो जो उसने रॉन्ग लेंथ की चेन दी वो दी 29.9 मीटर की, तो जो पहला रॉन्ग लिख रही हूँ मैं वो पहले ही रॉन्ग पर लिख रही हूँ 29.9, ठीक है, समझ गए।
तो पहला ट्रू क्या लिखा, जितने की उसने हमें चेन दी, और दूसरा जो रॉन्ग लिखा वो हमने लिखा जितने की हमें हमें लगा कि हमें जो पता लगा वो 29.9 मीटर की। अब आप क्या करने लगे, आपको था कि 30 मीटर की चेन है, ठीक है, तो 30 मीटर की चेन से था आपको, आपको अभी देखो 30 मीटर की चेन से अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया को बोला आपको सर्वे करना है और मेज़र करो कि यहाँ पर लेंथ कितनी है, ठीक है। सो अब पहले चले जाओ वापस अपनी स्टोरी पे, आप क्या किया 30 मीटर की चेन लेकर आए, ठीक है, फिर आपने उससे मेज़रमेंट ले ली, 30 मीटर की चेन से क्या ले ली, मेज़रमेंट ले ली। आपके अकॉर्डिंग था कि यार इसने 30 मीटर की चेन दी है और उसके अकॉर्डिंग आपने मेज़रमेंट ले ली, तो जो मेज़रमेंट आपने ग्राउंड पर ली आपको लग रहा था ये 30 की है, लग रहा था 30 की है, 30 मीटर आपने ग्राउंड में उस 30 मीटर को समझ के जो मेज़रमेंट ली वो मेज़रमेंट मैंने यहाँ लिखी, बाद में आपको पता लगा वो 29.9 मीटर की है तो वो मैंने यहाँ लिखा, और उस 29.9 मीटर से जो मैंने मेज़र किया वो मैं यहाँ लिखूंगी। क्लियर हो गया मैंने किस जगह पर क्या लिखा है, कंफ्यूज तो नहीं हुए आप इसमें? चलो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पर लिखी, ठीक है। तो पहले वाला ट्रू हमने क्या लिखा, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द चेन, जो वहां उस बॉक्स में लिखा था कि ये 20 ये 30 मीटर की है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद एल डैश मैंने क्या लिखा, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमारा L आया डेजिग्नेटेड लेंथ, जो उसने बोला था कि यार 30 मीटर की है, रॉन्ग लेंथ मतलब कितने की निकली वो हमारी 29.9 की, वो मैंने किससे लिखा, L डैश से। मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन जो मैंने गलत वाले के साथ मेजर कर ली, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, हम डैश किस में लगा रहे हैं, L डैश और स्मॉल L डैश में लिख रही हूँ, तो वो मैं किसके लिए लिख रही हूँ, जो उसने 29.9 मीटर की चेन दी थी और मैंने जो 29.9 मीटर से मेज़र किया उसमें लगा रही हूँ मैं डैश। सो एल डैश क्या लिखा, रॉन्ग लेंथ जो मैंने मेज़र करी, जो रॉन्ग लेंथ जो टेप की थी 29.9, और उससे जो मैंने मेज़र किया वो मैंने एल डैश लिखा, और जो मुझे लग रहा था कि 30 मीटर की चेन है, तो ये वाला जो ट्रू है वो है हमारा ये वाला स्मॉल एल। सो ये समझ आ गया, अब ये मैंने कैसे कैसे लिखा है, कैपिटल एल आ गया जो डेजिग्नेटेड वैल्यू थी उसकी, ठीक है। हाँ वो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में कैसे लेना है, डेजिग्नेटेड वैल्यू एल आ गया हमारा ये, स्मॉल एल हमारा पता लग गया, ट्रू लेंथ जो उससे मेजर की, एल डैश और एल डैश, ठीक है। क्योंकि अभी देखो मैंने आपको बोला है नेक्स्ट में हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो उन क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा कि ठीक है इस तरह की लेंथ दी है और कैसे हमें इन्हें लेना है। सो क्वेश्चन में अगर आपको खुद देख लो, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि हम 30 मीटर की चेन लेकर आए और उस 30 मीटर की चेन से मैंने 49 मान लो कि 49 मीटर का एरिया क्या किया सर, 49 मीटर मेरी लेंथ आई 30 मीटर की चेन से, पर मैंने बाद में देखा ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट इसकी लेंथ हो गई है 29.8, तो बोलेंगे कि आप करेक्ट लेंथ निकालो, इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। तो सब एज्यूम कर लेना 30 मीटर की चेन थी तो मेरा कैपिटल एल आ गया, उसके बाद मैंने इससे 30 मीटर की चेन से जो मेज़र किया वो मेरा क्या आया, स्मॉल एल आ गया, फिर कैपिटल एल से जो मैंने मतलब उस तरह से एज्यूम कर लो जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में, ठीक है, वहाँ से आपको पक्का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया, अब आपको ट्रू डिस्टेंस निकालने को बोला है, ठीक है, तो ट्रू डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, मेजर्ड लेंथ डिस्टेंस इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, इतना ये याद मत रखना कन्फ्यूज हो जाओगे, जो मैंने ये बताया ना आपको ये याद रखना है आपने और ये वाली चीज़ याद रखनी है बस, इससे ज़्यादा मत ज़्यादा जाना, नहीं तो इस चीज़ में कन्फ्यूज होने की गारंटी रहती है, ठीक है। अब देखो जिस तरह से अब ये बोला कि मैंने करेक्टेड लेंथ निकाली ट्रू डिस्टेंस, नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर कन्फ्यूजिंग है हमें, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट एरिया, तो इनकरेक्ट एरिया में क्या आया, एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर, यहाँ पर क्या था एल डैश अपॉन एल, इसमें आ गया एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर, यहाँ पर मेजर्ड एरिया। और वॉल्यूम के केस में अगर ट्रू वॉल्यूम निकालनी है तो वो आएगी मेजर्ड वॉल्यूम एल डैश अपॉन एल का क्यू, तो यहाँ पर अगर लेंथ निकाली तो एल डैश अपॉन एल, एरिया निकाला एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर, और एल डैश अपॉन एल का क्यूब आ गया ड्यू टू इनकरेक्ट वॉल्यूम। बस अभी फॉर्मूलाज सारे याद कर लेने हैं इस लेसन के बाद जो मैं आपको आज की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट में आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट तो प्रोवाइड कर दूंगी लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व आपने भी करने हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। लेकिन आप एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट से, ठीक है।
द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विथ 30 मीटर चेन. क्या बोला है? 30 मीटर चेन, समझ गए, जो हम लेकर आए थे मार्केट से, और उससे हमने मेजर करी कितनी, 4920 मीटर. 4920 मीटर है जो मैंने उस कैपिटल एल वाली लेंथ से मेजर करी. 30 मीटर चेन मेरे को लगा 30 मीटर की है, और जो मैंने उससे मेजर किया वो था 4920 मीटर. फिर बोला अब हमारी चेन निकली छोटी, जो उसमें मैंने बोला था कि जब आप लेकर आए लेकिन घर में आके देखा यार इसमें तो एरर है, तो वो कितनी निकली छोटी, 0.2 मीटर लिंक छोटी निकली. देन व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ, तो यहाँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछा है कि 0.2 मीटर लिंक छोटी है, नहीं तो कई बार डायरेक्टली पूछा होता है, ठीक है. सो इस क्वेश्चन को देखो, अब आपने खुद सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. कैपिटल एल, अब देखो यहाँ पर ट्रू डिस्टेंस होता है मेजर, ये वाली अगर हमने याद नहीं रखी तो मैंने आपको बोला था ट्रू इंटू ट्रू इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग. पहला ट्रू है जो हमें क्या दे रखा है, 30, ठीक है. 30 से कितना मेजर किया, मल्टीप्लाई बाय 4920, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू. पहला रॉन्ग क्या था कि जितनी हमारी वो जो चेन थी जो उसने दी और वो हमारी खराब, जितनी छोटी या बड़ी निकली, तो वो हमारी कितनी निकली, 150 माइनस 0.2, क्योंकि 30 मीटर चेन में होते हैं 150 लिंक्स, ठीक है, और वो 0.2 मीटर लिंक छोटी निकली, तो हमने 150 लिंक से 0.2 मीटर जो लिंक था उसे माइनस कर दिया, तो वो आ गया 149.8. और हमें क्या निकालना है, जो यहाँ वाली वैल्यू है निकल नहीं जाएगी आराम से, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने 150 क्यों लिखा है, समझ गए, क्योंकि 30 मीटर चेन थी और मैं इसे लिंक में लिख रही हूँ, ठीक है. 150 लिंक्स होते हैं 30 मीटर चेन में, तो आपने इस तरह से लिखना है, ट्रू इंटू ट्रू रॉन्ग इंटू रॉन्ग. तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज़ में जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है दीपक. बाकी मैं और क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी अपने नेक्स्ट उसमें. अब ये थोड़े से करेक्शंस के जो यहाँ पर फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपको ये नेक्स्ट लेसन के लिए याद कर लेने हैं, ठीक है. और जहाँ पर आप में मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे तो ये समझाने चाहिए, वो मैं आपको समझाऊंगी, पर ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करेंगे. सो टेप आपको पता है, टेप भी हमारी यूज़ होती है लीनियर मेजरमेंट्स के लिए. कितने टाइप की टेप्स होती हैं ये आपको पता है, टेप्स के क्या क्या होते हैं, क्लोथ और लिनन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप, इस तरह की टेप्स होती हैं, ठीक है. तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं हमारा, इंपॉर्टेंट होगा तो उसे MCQ में मैं कवर कर दूंगी, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो रहा है और मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं एट द एंड कि आपने कितना सीखा, ठीक है. तो टेप करेक्शन सबसे पहले आई, करेक्शन फॉर द एब्सोल्यूट लेंथ. करेक्शन फॉर द एब्सोल्यूट लेंथ को CA से लिखा, L इंटू CA अपॉन L. तो आप इन जो मैं अभी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, देखो उसकी PDF आपको मिल जाएगी फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है. तो वहाँ पे PDF से आपने ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे. और अगर आपको लगता है कि आपको ये समझना है कि यार इस करेक्शन में ये चीज़ कैसे आ रही है, तो मुझे वो आप नेक्स्ट क्लास में बता देना, ठीक है, क्योंकि अभी देखो टाइम हो रहा है, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं. तो जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि आपको वो क्लियर हो गई हैं, चलो. तो अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ. तो सबसे पहले आप मुझे क्या बताएंगे, गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है, फटाफट से. यस, 66 फीट. मैं यही देख रही हूँ यहाँ पर कि कौन हमें आंसर कर रहा है फटाफट से, ठीक है, 66 फीट. अच्छा, और आप बताएंगे 30 मीटर चेन में कितने लिंक्स होते हैं, 150. ओके, ये आपको पता लग गया. डायरेक्ट वर्नियर के लिए मैंने क्या बोला है याद रखने को, डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है, डैश इनटू वर्नियर स्केल, ओके, 9. ये सबको बिल्कुल इस तरह से याद हो गया मुझे लग रहा है अब, ठीक है, ये भी चीज़ आ गई. अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, चलो अब यहाँ वाले क्वेश्चन ही लेते हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं. सो पहला क्वेश्चन देखोगे, ये वाला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा ये चीज़ तो मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, चलो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी. आपको पता है कि एक प्लेन ट्रायंगल होता है और एक स्फेरिकल ट्रायंगल होता है. दीपक ने आंसर कर दिया बिल्कुल सही, एक प्लेन होता है, एक स्फेरिकल ट्रायंगल होता है, इसके बारे में आइडिया है. जैसे मैंने कहा था कि हम प्लेन सर्वे लेते हैं, ठीक है, तो प्लेन सर्वे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो प्लेन सर्वे में ये हमारी, अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ तो ट्रायंगल में आपके जो एंगल्स होता है इनका सम होता है 180 डिग्री. लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ, इसी की जगह मैं जियोडेटिक सर्वे ले रही हूँ, और जियोडेटिक में मेरे को कंसीडर करना है अर्थ का कर्वेचर,
ठीक है, अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना है तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर मैं अर्थ का कर्वेचर लेकर चल रही हूँ इस तरह से, ठीक है। पहले ये प्लेन था जिसका आपका सम था 180, लेकिन कर्वेचर कंसीडर किया तो वो इस तरह से बन गया। तो बोल रहे हैं कि पहले अगर इतना था, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल ऑन द अर्थ सरफेस, तो सबसे पहली बात आती है स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल हमारा जिसमें हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरह से बन रहा है। इसका कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट में क्लियर करवा दूंगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, आर एफ है आपका 1/2500, तो मीन्स स्केल इज, स्केल कितना होगा उसके केस में, आर एफ हमें दे रखा है, कर सकते हैं आप इसे सॉल्व। हाँ बिल्कुल सही, सॉल्व करना आ गया ना कि कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने किया था बस वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर आपको आरएफ दे रखा है, स्केल निकालना है, और अभी तक जो हम कर रहे थे वहां पर स्केल दे रखा होता था, आपको आरएफ निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन ग्राउंड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल इज, आरएफ कितना होगा। ध्यान से देखो, हाँ 1:1000 होगा, 1:100 नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। पर हम ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10 × 100, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट्रोग्रेड वर्नियर, इन रेट्रोग्रेड वर्नियर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज डैश, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। थोड़ा सा टफ है, अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो समझ आ जाएगा। यस शॉर्टर देन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 2 है, नहीं लॉन्गर देन रेट्रोग्रेड, ध्यान से देखो इसे, रेट्रोग्रेड में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, रेट्रोग्रेड होता है हमारा मेन स्केल का ऑपोजिट। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो शॉर्टर देन होना चाहिए। हाँ शॉर्टर देन होगा यार इसका आंसर, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, तो शॉर्टर देन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखो, जो भी हमने आज पढ़ा, ठीक है, एक तो सारे आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं वही रिवाइज कराऊंगी, आपको लिस्ट दे दूंगी, और जो मैंने आपको कहे आज कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शायद क्लियर नहीं हुए, वो जो मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगी। एक ये बताऊंगी कि मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं वर्नियर स्केल की हेल्प से, वर्नियर कैलिपर जो आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। और दूसरे हम बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व चलो इसे देखेंगे, आप भी देखना एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक तरह से आपका टेस्ट भी है जो हमने आज पढ़ा उसका, और साथ साथ में आप लोगों को जो डाउट अभी तक इसमें है वो आप एक बार एक जगह एक नोट करके रखना, क्योंकि आज वाले डाउट मैं आपके नेक्स्ट लेसन में क्लियर करूँगी, और उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेसन में जो समझाया वो आप लोगों को क्लियर हो गई कंसेप्ट, और जो नहीं भी हुए हैं तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट लेसन जब होगा हमारा उसमें मुझे पहले बता देना है आपने, ठीक है, कि मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगी, क्योंकि पहले क्या है जो हमने पढ़ लिया एटलीस्ट वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा सब कुछ ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे रिवाइज करनी है जैसे मैंने रिवाइज कराई, और बिल्कुल वैसे याद में रखनी है, ठीक है। So thank you, bye bye, thank you ma'am.